हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लाइटरूम की मदद से कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना लेटेस्ट अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए। सो चलें गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके गाइस, सबसे पहले आपने लाइटरूम में फ़ोटो को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इसमें आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद गाइज, आपने कंट्रास्ट को -25 करना है। उसके बाद गाइज, आपने शेडोज़ को -25 करना है, और यहाँ पे आपने वाइट्स को बढ़ाना है, 25 कर लें, और ब्लैक्स को भी बढ़ा देना है। उसके बाद गाइज, आपने क्या करना है, यहाँ पे 25 से ज़्यादा नहीं करना आपने। तो उसके बाद आपने गाइज क्या करना है, आपने आ जाना है कलर्स में। तो कलर्स में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने वाइब्रेंस को +80 करना है। तो यहाँ पे मैं वाइब्रेंस को +80 करना है, आपने 100 नहीं करना, और टेम्परेचर को -10 करना है। सो गाइस, यहाँ पे आपने -10 से ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद आपने मिक्स टूल में आ जाना है। सो गाइस, मिक्स टूल में आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कलर मिल जाएंगे, लेकिन हमारे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है तो हमने ग्रीन कलर में आ जाना है। और इसकी ह्यू को आपने माइनस करना है 100, और सैचुरेशन को प्लस करना है। उसके बाद गाइज, आपने येलो वाले कलर में आ जाना है, और इसकी भी ह्यू को माइनस करना है 100, और सैचुरेशन को प्लस। उसके बाद गाइज, आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्किन जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है, तो इसको वाइट करने के लिए आपने सेकंड कलर में आ जाना है, उसकी लुमिनस को बढ़ा देना है, और फर्स्ट कलर की भी लुमिनस को बढ़ा देना है। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं हमारा जो है स्किन काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें पहले कैसा था और अब कैसा है। सो गाइज, अभी आपने ब्लू कलर में आना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने इसकी सैचुरेशन को कम करना है, और उसके बाद यहाँ पे स्काई ब्लू में आ जाएंगे, और ही इसकी ह्यू को -100 कर देंगे। उसके बाद गाइज, आपने डन करना है और नीचे आ जाना है इफ़ेक्ट्स में। गाइज, यहाँ पे आपने टेक्सचर को -17 करना है, और क्लियरिटी को भी -17 कर देना है। उसके बाद आपने डिहेज को बढ़ाना है, और विग्नेट को माइनस करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है गाइज, यहाँ पे आपने शार्पनिंग को भी बढ़ा देना है, और नॉइस डिडक्शन को भी बढ़ा देना है। सो गाइज, अभी हमने फ़ोटो को सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। सो यहाँ पे मैं मोबाइल में सेव कर लूँगा। तो सेव करने के बाद हमने फिर से इस फ़ोटो को लाइटरूम में ओपन करना है। यहाँ पे हमने फिर से प्लस वाले आइकन पे दबाना है, और यहाँ पे ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट करके ऐड कर देनी है। सो गाइज, अभी हमने एक प्रीसेट को ओपन करना है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने कॉपी सेटिंग कर लेनी है। सो गाइज, सेटिंग कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने डन कर देना है, और यहाँ पे आपने फ़ोटो को जो हमने इंपोर्ट किया था इसे ओपन कर लेना है। सो गाइज, अभी हमने फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने पेज सेटिंग कर देनी है। सो गाइज, पेज सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है।